गाइस, तो अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज 7 की। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और मैं ये एक सीरीज के माध्यम से आपसे मिल रही हूँ, और जहाँ पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये जो सीरीज में लेके आई हूँ ना, ये शेयर कर रही हूँ। हो सकता है लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जानने के लिए, कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप कौन से स्टेज पे हैं, क्या काम आपने करना है, मैं वो सब आपको बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे स्टेज 7 की, जहाँ पर अब आप रियल काम करना शुरू करेंगे, यानी कि अब आप अपने आप के लिए टाइम देंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को एक सुपर ह्यूमन समझना शुरू करके अपना डीप इनर वर्क करना शुरू करेंगे, जहाँ आप अपनी हीलिंग करेंगे, रियलाइजेशंस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेट गो करेंगे, और बहुत अंदरूनी काम जिसको बोलते हैं ना, कि जिसका रिलेशन किसी से नहीं है, आपसे है। आप इनर चाइल्ड से अपने मिलेंगे, आप अपने बैरियर्स को तोड़ेंगे, आप अपने आप पहली बार अपने आप अपनी आत्मा को मिलना, जिसे बोलते हैं कि मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये इनर वर्क आपने करना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग 7 स्टेज पे, क्योंकि उससे पहले जब आप लॉस्ट वर्ल्ड में थे तब आपको पता नहीं था कि आपने क्या करना है। आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, बट अब आपके पास सारे टूल्स पड़े हैं, आपने हीलिंग मोडालिटीज भी सीख ली हैं, आप दूसरों को भी हील करना जानते हो और अपने आप को भी हील करना जानते हो, तो आप अपना शेडो वर्क करना शुरू करोगे। अगर अभी तक आपने कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं सीखी है और सिवाय सिर्फ किताबों से और दोस्तों की जानकारी से और यूट्यूब के माध्यम से अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम इस समय तो अपना गुरु को ढूंढना शुरू करें, अपने मेंटर से कनेक्ट करें और देखिए कि वो आपको इस सिचुएशन में कैसे हेल्प करेंगे। बिकॉज डीप वर्क करना, शेडो वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आप ढंग से करोगे तो आप धीरे आप नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। वो जो जिसको बोलते हैं ना कि संपन्न लाइफ होना, बस वो होने ही वाली है आपकी। तो अगर आपको कोई मेंटोर मिल गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला है तो ढूंढ लो, क्योंकि यूट्यूब से या सिर्फ किताबों से ना इनर वर्क कर तो लोगे, बट अगर कोई भी सीड अंदर रह गया तो वो बहुत जल्दी आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए। इतनी मेहनत करी है तो बस थोड़ी मेहनत और करो और डीप हीलिंग करना शुरू करो। अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज 8 की अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जितना हो सके ध्यान करें, जितना हो सके मेडिटेशन करें, जितना हो सके अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। गुड बाय।